हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब लोग 11th क्लास के डेरिवेटिव्स, जो हम लोग रूल्स ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेशंस में 11th क्लास के जो कर रहे हैं 29.4 चैप्टर्स का अगला क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यानी कि पिछले वीडियोस में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हमने कर दिए थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में 1, 1, 2, 2, 4, 4, 10, 10 पार्ट्स थे। तो उसमें से कुछ हमने कर दिया था, कुछ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ा है। जो बना लिया है वो ठीक है, जो नहीं बनाया है वो अपना हमको मैसेज भेजा भी और भेज रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके जस्ट बाद से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो गाइस, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों को भी जोड़े और ग्रोथ जल्दी करें। जितना जल्दी कीजिएगा उतना बेटर आपको परिणाम मिलेगा। और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको विदाउट कॉस्ट मिलने वाला है। बहुत तरह के स्कीम्स हम लेकर आने वाले हैं, आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। और आपको एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करेंगे ये जस्ट शुरू होने वाला है, और वो भी लाइव डिबेट्स के साथ, आप लोगों के साथ मीट पे लाइट आकर। तो इसके लिए क्या करना है ये सबको पुराने वाले को पता है, नया जो जुड़ा है वो जान ले फिर से एक बार कि सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, संख्या बढ़ाना है। और अपना व्हाट्सएप नंबर पे हमको अपना नाम, क्लास और शहर का नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ताकि हम आपको जोड़कर मीट से जुड़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर बाई प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे ध्यान देना है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर बाई प्रोडक्ट रूल एंड वेरीफाइड दैट द आंसर इज 2x। जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर हम जैसे हम लोग आ गए हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट फार्मूले से हम लेंगे तो n एक्स एन माइनस वन पावर्स उसका आंसर आ रहा है। तो इसको अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स इसका निकालते हैं तो 2x आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया गया है कि इसको आपको प्रोडक्ट रूल से करना है। तो कैसे प्रोडक्ट रूल से करेंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने ले लिया कि ये जो हमारा फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें इसको करना है प्रोडक्ट रूल से। तो इसमें क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, दो कर सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा, इसको अगर हम मान लें कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट वन, यानी कि प्रोडक्ट वन। आई दोनों से करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स एक्स, मतलब ये यू हो गया और ये एक्स हो गया। अब इसमें देखिए कि प्लस u भी वही है और x भी वही है, तो फिर इसको रिपीट कर लेंगे x डी बाई डी एक्स एक्स, और यहाँ x इंटू डी बाई डी एक्स का अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स का, तो ये वन हो जाएगा। फिर प्लस x और डी बाई डी एक्स से करते हैं तो ये फिर से मॉन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं
तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो आप देख रहे हैं कि इससे भी क्या आएगा, 2x आ गया। चलिए एक दूसरा है उसको करके दिखाते हैं हम आपको। और यहाँ dy बाई dx अगर हम लेते हैं तो पहला u हो गया है एक्स स्क्वायर और भी 1, तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स 1 है, 1 कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और प्लस 1 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स हो जाएगा ये तो पूरा का पूरा टर्म्स 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 इंटू 2x 2x और ये हो गया 2x। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स आया वो क्या हो गया, 2x। तो ये कहता था कि डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर बाई प्रोडक्ट रूल्स और वेरीफाइड आंसर इज 2x, मीन्स ये वेरीफाइड है। चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। और अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 यूजिंग प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएट सेम आफ्टर एक्सपेंडिंग द पॉलीनोमियल्स और वेरीफाइड दैट द आंसर्स आर द सेम। हमें दोनों तरीके से करना है, तो पहले प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं भाई। प्रोडक्ट रूल, तो ये डी वाई बाई वाई पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना था, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 और डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 और डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 और डी वाई बाई डी एक्स में ये तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 और यहाँ जब करेंगे तो ये 3 0 और x हो जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 3 और प्लस x माइनस 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये आंसर हो गया। और दूसरा एक्सपेंडिंग मेथड्स बाई एक्सपेंडिंग, अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6, तो dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 6। अब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा,
टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स कितना हो जाएगा वन, और ये सिक्स कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये आंसर आया टू एक्स प्लस वन। तो आप देखें कि यहाँ पे कितना है टू एक्स प्लस, यहाँ पे कितना है टू एक्स प्लस वन। टू एक्स प्लस वन तो ये दोनों सेम है यानी कि वेरीफाइड है। ये हमारा आंसर वेरीफाइड है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चंस दिया होगा कि उसको एक प्रोडक्ट मेथड से मिला बनाए या अदर, और एक अदर मेथड से बनाए और दोनों को कंपेयर करें कि ये क्या है, वेरीफाइड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग वेरीफाइड कर लिए एक प्रोडक्ट रूल से और उसके बाद एक एक्सपेंड करके बना लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें भी कह रहा है दो क्वेश्चंस है, 9-1 हो गया और कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को बाय प्रोडक्ट रूल से और कोई एक अदर रूल से। तो इसी तरह प्रोडक्ट रूल से और अदर रूल से यानी कि एक बार एक्सपेंड करके करेंगे और एक बार एक्सपेंड करके करेंगे। अगर यहाँ ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू और डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस थ्री। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे टू कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो, और एक्स का कितना हो जाएगा वन, प्लस एक्स प्लस टू, और इसी तरह यहाँ थ्री कांस्टेंट है ज़ीरो और एक्स का वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस प्लस टू, और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव। और दूसरा मेथड ले लेते हैं, अगर ये है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड कर देते हैं। अभी जस्ट पीछे एक क्वेश्चन बनाए हम लोग, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा ही आएगा करके। आप एक्सपेंड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना करके आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई डी एक्स एक्स, और प्लस डी बाई डी एक्स सिक्स। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और फाइव एक्स, और एक्स का हो जाएगा यहाँ पे वन तो ये फाइव, और प्लस सिक्स का हो जाएगा ज़ीरो, तो ये हो गया टू एक्स प्लस फाइव। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको यहाँ भी आंसर मिला कितना, टू एक्स प्लस फाइव, आंसर मिला कितना टू एक्स प्लस फाइव। करना क्या था, इसको वेरीफाइड करना था, ये दोनों सेम है यानी कि वेरीफाइड हमारा हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप एक पेज पे नहीं कर पाते हैं या लिखना हो, एलेवेंथ में मान लीजिए कि बोर्ड एलेवेंथ के एग्ज़ाम में आ गया, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि ऐसा तीर बनाओगे तभी वेरीफाइड लिख पाओगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों तो सेम है ये, तो ये लिख देंगे फ्रॉम वन टू से वन एंड टू, बोथ आंसर्स आर सेम और वेरीफाइड है, उसके आगे लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरा। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रोडक्ट में भी दो तरह का होगा, ये प्रोडक्ट में कैसे करेंगे,
तो वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3x² + 2, और ये 3x² + 2 ट्वाइस टाइम्स हो गया, मतलब उसका पावर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, ये आपको दिया गया फ्री। अब डीवाई बाई डीएक्स निकालना है प्रोडक्ट रूल से, तो क्या हो जाएगा 3x² + 2 dy dx 3x² + 2, और ऐसे जब होगा तो इनटू 2 हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस में ऐसा ही हम लिखने वाले हैं, तो वो हो जाएगा 3x² + 2 dy dx 3x² + 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² + 2 ये वाला पार्ट्स, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा, और 3x² है तो 2 इधर 3 में आकर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 6x + इधर भी वही 3x² + 2 और मल्टीप्लाइड 6x, मल्टीप्लाइड कर देंगे 6x और 3 18x³ + 12x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18x³ + 12x, ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 36x³ + 12x। ठीक है, ये आया वैल्यू। अब आते हैं अदर रूल्स में, तो अदर रूल्स में ऐसा अगर दिया हुआ है कि 3x² + 2 द होल स्क्वायर, तो इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं, 9x⁴ + 2ab, और 2ab का मतलब हुआ कि 2 × 2 = 4 × 4 = 3 = 4, ये हो गया। तो dy by dx क्या होगा, तो dy by dx होगा 9 dy dx x² + 4 + 12 dy dx x² + d/dx 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 4x³ + 12 × 2x, और यहाँ 4 है कांस्टेंट तो +0, तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36x³ + 12 × 2 = 24x, और ये +0 ही है, +0, तो ये हो जाएगा 36x³ + 24x, ये हो गया ऐसा। और यहाँ पे भी आया था 36x³ 24, और ये दोनों सेम है, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम किसी भी मेथड से करेंगे, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे जब पूछेगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। एक ही मेथड से करके आंसर नहीं निकालना होगा, कम से कम दो मेथड से करके, जो भी दो मेथड्स आपको यूज सुटेबल लगे उससे करके, और आप क्या करेंगे इसका पूरा दोनों के आंसर्स को कंपीट करेंगे और वहाँ पे दिखा देंगे। अब चूंकि अगर आप एक ही पेज पे दोनों बनाए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे एरो लगाकर वेरीफाइड लिख सकते हैं। अगर नहीं अलग अलग बना रहे हैं तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे, और वहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 आंसर्स आर 36x² + 24x = 36, या फिर डायरेक्ट वर्ड्स में लिख देंगे कि बोथ आंसर्स आर सेम यूजिंग 1 एंड 2, और उसके आगे लिख देंगे वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है, तो ये क्वेश्चंस हम आपके लिए अब छोड़ रहे हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, एक प्रोडक्ट रूल का और दूसरा एक्सपेंडिंग रूल्स का, यानी कि इसको एक्सपेंड कर देंगे और अलग अलग सेपरेट करके उसका निकाल लेंगे, दोनों का आंसर सेम होगा उसको वेरीफाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, टेन कहता है कि हम जानते हैं कि टेन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है, ये हम जानते हैं। ये अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो कैसे होता है ये देख लीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा टेन एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन का हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा साइन एक्स, तो ये तो होता है ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो ये हम जानते हैं, याद भी हम लोग किए हुए हैं। अब कहता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए टेन एक्स और कॉस एक्स को किससे, बाई प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर कॉस एक्स ही आ रहा है। तो बड़ा इजी सवाल है जी, इसको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल प्रोडक्ट रूल से इसको इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू टेन एक्स कॉस एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, वी डिफ्रेंशिएट ऑफ यू प्लस यू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कॉस एक्स और टेन का क्या होता है वन बाई सॉरी सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और साइन को हम लिख सकते हैं टेन को साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉस को काट सकते हैं और यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, तो इधर मिल जाएगा हमें वन बाई कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, साइन स्क्वायर कैसे साइन इंटू साइन और नीचे कॉस है, ठीक है। अब उसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स सेम ऑपरेशन के साथ एज इट आ जाता है, ठीक है। तो वन माइनस, कुछ चीज़ें तो आपको याद भी रखनी पड़ेगी, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स कॉस एक्स से कट गया और आंसर हमारा आ गया कॉस एक्स। और वो यहीं पूछ रहा है कि क्या आपका आंसर कॉस एक्स ही आएगा, तो हम कहेंगे एकदम डंके की चोट पे आएगा, यस इट इज, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था और आज समय हमें इतना ही अलाउ कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्लास चलानी हमको, तो उसी में कुछ क्लास चल भी रहा होता है उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं और कुछ सिंपली ऐसे कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन वो टाइम हमारा फिक्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके लिए भी टाइम बनेगा कब,
जब हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये चैनल बार बार हमारा निकल जा रहा है, लेकिन ये हमारा क्या आपका चैनल है? हमारा जो करना है हमको वो तो हम कर रहे हैं, चैनल आपका है, ग्रोथ आपको करना है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और सबसे विशेष ज़रूरी चीज़ क्या है, अपना कंटेंट हमें कॉन्टैक्ट हमें प्रोवाइड करवाइए, ताकि जो डाउट्स हम लेकर आए मीट से हम आपको लिंक दे सके। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं भी कर सकते हैं, फोर्स तो है नहीं, लेकिन हम बार बार एक आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो नहीं पाइएगा, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो बेटर से बेटर हमारी जितनी क्षमता है आपको देने की कोशिश करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करेंगे। और केवल YouTube पर जाकर आप देखें उसी से नहीं, आपकी स्टडीज़ को हम एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करवाएंगे, आप अपने घर में बैठकर हमारे साथ जुड़कर मीट से, अगर संख्या आप लोगों की उस तरह की हुई तो मीट से हम आकर आपके साथ लाइव क्लासेस देंगे। अभी तक लोग लाइव क्लासेस यूट्यूब से दे रहे हैं, यूट्यूब पर आप जाकर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप हमको साथ देंगे हमारा तो ये इसको ग्रोथ करिए चैनल्स को, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मीट पर आकर, या आपको YouTube से तो देंगे ही देंगे, आपके डाउट क्लासेस के लिए मीट पर आकर आपको कनेक्ट करेंगे, और हर रोज़ आपको, जैसे आप क्लास लेते हैं तो मेरा क्लास मान लीजिए कि एक घंटा का आपका होगा, एक घंटे हम आपको हर रोज़ टाइम देंगे अगर हमारा चैनल ग्रोथ होता है तो, ठीक है? बाकी तो जितनी हमारी क्षमता होगी हम उतना कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो चलिए आज आपके लिए इतना ही है, तो आगे आप प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमको भेजिए। ओके, धन्यवाद।